हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ रश्मि तिवारी। गाइस आज मैं आ गया हूँ सीपी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे। सीपी इज कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली और हम आज फिर जा रहे हैं एक बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं लेट हो गया हूँ, बाकी सब पहुँच गए हैं डेस्टिनेशन पर और मैं जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है लोकल, बापरे वो है लोकल। लोकल बहुत ही एक मतलब जाना माना और अच्छा क्लब है और जस्ट मेरे सामने, मैं आपको पहले क्लिप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है लोकल और मैं यहाँ पे आया हूँ राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतर करके, जो कि सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 5 और 6 पड़ता है। गेट नंबर 5 और 6 पे पड़ने के बाद अब आपको कैसे बताऊँ, इंडिया बुल्स। वैसे तो आप लोकल सर्च करो, डायरेक्टली आपको दिखा देगा, क्योंकि फालतू इधर उधर की चीज़ें डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ, बाकी अपडेट आपको अंदर दे के चलता हूँ। दिस इज़ योर लोकल, ये है आपका लोकल बाहर से, और ये सीपी में बिल्कुल मिड पे पड़ेगा आपको। द आर्ट हाउस करके एक बिल्डिंग है, वहाँ से बिल्कुल पास में है। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लेट हो गया हूँ, तो इन लोगों ने स्टार्टर्स मंगवा लिए थे, तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद जो है आपको लोकल के बारे में कुछ और अपडेट दिया जाए। फिलहाल आप ये लोकल का एम्बियंस देखिए। तो गाइस यहाँ मैं आ गया हूँ अंदर। इन लोगों ने बिना मेरे बगैर जो है खाना पीना शुरू कर दिया है। शर्म नहीं आई तुमको प्रो कोड निभाते हुए, मतलब नहीं ना निभाते हुए? तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ऊपर भी बैठने के लिए स्पेस था, लेकिन मैं ऊपर जाना मैंने सही नहीं समझा, बिकॉज जितना नीचे से आपको दिख रहा है वो उतना ही ऊपर था। मींस कहने का ओवरऑल ये है कि थोड़ा स्पेशियस मेरे को कम लगा, स्पेस थोड़ा कम लगा इन कंपैरिजन टू अदर्स ऑफ गार्डन गैलेरिया, और बाकी अंदर का एम्बियंस अच्छा था। सो गाइस, यही था लोकल क्लब जो मैंने आपको दिखाया। ऊपर सेकेंड सीटिंग भी है, नीचे भी सीटिंग है, हम नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर भी बैठने वाले बैठे हैं, तो लेकिन इंटीरियर अंदर का वैसा ही है। मेरे को अभी कहीं पर डिस्क नहीं नज़र आया है, लेकिन ऐसे हमने पहले इंक्वायरी कर ली थी तो वो बोल रहे थे कि डिस्क है अवेलेबल, बट मुझे लग रहा है कि अपनी अपनी सीट पे खड़े होकर डांस करना पड़ेगा। जैसा भी होगा आप इसी ब्लॉग में आगे बने रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये तो वॉशरूम है, एरिया वाइज उतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, क्लीन है, साफ है, ओके। भाई आकाश के लिए हम लोगों ने केक मंगाया है और इनके करामात देखिए, इन्होंने किस उससे ऑर्डर किया है, रक्षित ब्लॉग्स, इन्होंने रक्षित ब्लॉग्स नाम से जो है ये आईडी बना के उससे केक ऑर्डर किया है। यार आई ये कहीं गोल चक्कर पे है, आने वाला है। हमने आकाश का केक मंगा लिया है, रिजल्ट डिस्कस करती हुई पहले हम के खा नहीं है, बिल नहीं पे कर पा रही।
आपको प्राइसिंग कवर कर रहा हूँ इसमें। ये लोकल की प्राइसिंग है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा है ना? ज़्यादा है, एक्चुअल में ज़्यादा है गाइस। और यहाँ पे बिल का कुछ गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हमारा बिल बना था 5 लोगों के बीच में 7,000 रुपये का। भाई साहब ये बहुत महंगा मेरे को लगा, 5 लोगों के बीच में 7,000 रुपये का बिल था, जिसमें करीबन खाला कि हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा करी यहाँ पे, हुक्का हमने लिया था। हुक्का जनरली हम कहीं लेते नहीं है, हुक्का आप कहीं भी लोगे तो 1,000 से 1,200 रुपये का हुक्का ऐड होगा, वो हमने यहाँ ऐड करवा लिया था। शायद इसी वजह से हमारा प्राइसिंग 7,000 रुपये पहुँच गया था, जो कि 15% ऑफ करके हमें अप्रॉक्सीमेटली 5,800 का बिल पे करना पड़ा। लेकिन फिर भी ये काफ़ी महंगा मेरे को लगा। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर दी है इस ब्लॉग में। तो होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी टाइप के ब्लॉग के लिए आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मेरा नाम है रक्षित, आप देख रहे हैं रक्षित तिवारी के ब्लॉग्स। थैंक यू, आई लव यू ऑल।